कर रही है गुड़िया कुछ नहीं बर्तन लगा रही हूँ बहुत टेस्टी खाना बनाया था रायता आपको बहुत अच्छा था तो आप ना मुझे तो तो बनाना तो फिर मेरे घर जाकर मम्मी से बोल के बनाऊंगी रायता बनाना सिखाऊं सिखाऊ हाँ। चल ठीक है हम क्या करते हैं ना ये रायता जो है ना बनाते हैं गुड़िया को भी सिखाते हैं और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ ये रायते की रेसिपी बहुत टेस्टी है बहुत सिंपल है हेलो जी राधे राधे और ये जो रायता बना रही हूँ ना बहुत सिंपल है बहुत मज़ेदार रायता है गर्मियां आ गई हैं तो रायता तो बस अब चलेगा तो रायते में भी बहुत वैरायटी होती है मैंने अच्छा बढ़िया फ्रेश दही लिया उसको बहुत अच्छे से फेंटा फिर उसमें एक चम्मच चीनी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक नमक एक जो डालना है हमने साधारण नमक और एक डालना है हमने काला नमक इनको बहुत अच्छे से फेंटना है एकदम क्रीमी टोन आ जाएगी अब मैंने ना गुनगुना पानी लिया है इसमें डाल दी एक कटोरी बूंदी की तो ये बूंदी का रायता जो है ना बहुत डिफरेंट तरीके से बनेगा इसको डालने के बाद बस तीन से चार मिनट रखना इसमें ज्यादा नहीं रखना तो इसको छान लेंगे छानने के बाद इस बूंदी को हम डायरेक्ट जो है ना इस दही में डाल देंगे दही में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ये अजवैन और जीरे का पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और ये है कसूरी मेथी का पाउडर बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा अगर आपने इसमें कसूरी मेथी का पाउडर डाल दिया अच्छे से ना इसको मिक्स कर लीजिए बहुत गाढ़ा है अभी तो क्या करेंगे एक छोटी कटोरी इसमें दूध की डाल देंगे यानी कि आधा गिलास दूध डाल देंगे आपने अगर दूध नहीं डालना तो पानी डाल लीजिए अब सीक्रेट क्या है एक दिया लेंगे और दिया लेकर उसको रख देंगे गैस पर अच्छे से गर्म करेंगे इसमें मैंने ना तिल का तेल डाला है साथ में डालूंगी आधे चम्मच से थोड़ा कम जीरा और अच्छे से ना हम इसको चटकने देंगे देखिए चटक गया ना अब मैंने इसमें डाल दिया हींग तो दो पिंच हींग डाली है बहुत गर्म दिया है इसको उठाएं सन्सी के साथ और इसको इसमें पलट दें और दिए को भी इसमें रख कर अच्छे से इसको ढक दें कम से कम पाँच मिनट इससे ना दिए का जो तंदूरी फ्लेवर है वो भी आएगा स्मोकी स्मोकी और जो इसका तड़का लगा है ना झन्नाटे वाला वो बहुत मज़ेदार है अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें तड़के को और अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और धनिया डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये चाट मसाला चाट मसाले के साथ हम डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर और इसमें डालेंगे एकदम चार पांच टुकड़े आइस के ताकि ये एकदम ठंडा और मजेदार बने तो इससे क्या होता है ना आपको पानी डालने की जरूरत नहीं रहेगी दूध हमने पहले ही डाल दिया अब हम इसको मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको इंजॉय करेंगे